प्यारे बच्चों, इन दिस क्लास वी स्टडी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब बेसिक सही है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो एल्कीन और एल्काइन हो सकता है, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? मल्टीपल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल इज, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन। एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, निकल और प्लेडियम टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस मीन इथीन, इथेन, इथेन। दिस इज इथीन, डबल बॉन्ड ब्रेक एंड देन टू हाइड्रोजन अटैच। दिस प्रोसेस नेम इज हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस का नाम क्या है? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। कि आपका कोई अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एडिशन, किसकी प्रेजेंस में? निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम। क्या बन जाएगा आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्केन। प्लेडियम और प्लेटिनम आपका कैटालिस्ट है जो एट रूम टेम्परेचर पे होता है। कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। लेकिन आपका जब निकल कैटालिस्ट का यूज़ होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। सिंपल एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे दिस इज प्रोपीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, प्लेटिनम एंड निकल। निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम, ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड एंड वन हाइड्रोजन अटैच हेयर एंड वन हाइड्रोजन अटैच हेयर। अनदर एग्जाम्पल इज एल्काइन, दिस नेम इज प्रोपाइन। प्रोपाइन, अब जब एक एल्कीन के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो एल्काइन के लिए आपको दो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट, एक पाई बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन, अनदर पाई बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन। तो दिस अटैचमेंट, द बॉन्ड इज ब्रेक सिंगल बॉन्ड एंड टू हाइड्रोजन अटैच दिस कार्बन एंड टू हाइड्रोजन अटैच दिस कार्बन। अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। कि आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, किसको छोड़ के? फ्लोरीन को छोड़ के, रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड एसिड की प्रेजेंस में। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जिंक मेटल और कैसे, कोई भी डाइल्यूट एसिड होगा तो क्या बन जाएगा आपका? एल्केन। क्या बन जाएगा आपका? सिंपल, एल्केन। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, दिस इज द एग्जांपल, क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिड, ले लिया हमने HCl। तो जिंक और HCl की प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ आपका जो H, एक H एक क्लोरीन के साथ HCl प्लस एक H इसके साथ जुड़ जाएगा CH3 और एक H क्या बन जाएगा? मीथेन। क्या बन जाएगा? मीथेन। फ्लोरीन का जो बेंजीन होता है, फ्लोरीन का जो आपका एल्केन होता है, सिंपल एल्काइल फ्लोरोमीथेन। फ्लोरोमीथेन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो प्रिपरेशन नहीं हो पाती आपके एल्केन। एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे थर्ड एग्जाम्पल आपका क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl टू फॉर्म CH3 इथेन। क्या बोलता है? इथेन एंड प्लस HCl। अनदर एग्जाम्पल इज CH3 CH2 CH2 Cl रिएक्ट विद हाइड्रोजन। क्या नाम इसका? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म CH3 CH2 CH3 प्रोपेन प्लस HCl। अनदर एग्जांपल है आपका कि कोई भी एल्काइल हैलाइड हो आपका, क्या हो? कोई एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाता है आपका? एल्केन। क्या बन जाता है? एल्केन। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है? वुड्स रिएक्शन। जैसे सिंपल एग्जांपल, CH3Br रिएक्ट विद 2Na प्लस CH3Br, तो क्या होगा कि यहाँ पे NaBr CH3 बन जाएगा एल्केन। कैसी है ये आपका जो वुड्स रिएक्शन है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है? आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अनदर एग्जांपल आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है आपका, जिसे हम बोलते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।
फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जैसे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर देते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सोडा लाइम क्या होता है आपका, एक सोल्यूशन होता है NaOH प्लस KCaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH का 3:1 का एक सोल्यूशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। और इस प्रोसेस का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, सोडा लाइम आपकी जो रिएक्शन है उसमें से कौन सी गैस बाहर निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसलिए इस प्रोसेस का नाम बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन क्या है आपकी, सिंपल रिएक्शन है आपकी दिस, दिस इज द सिंपल रिएक्शन। सोडियम इथेनोइट, सोडियम इथेनोइट CH3, सी डबल बॉन्ड ONa, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम की प्रेजेंस में कौन सी गैस इवेल्यूएट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेटल के NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, Na2CO3 प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, मिथेन। क्या बन जाएगा आपका, मिथेन, प्रिपरेशन ऑफ मिथेन। इट इज ए अनदर टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अनदर रिएक्शन है जिसका नाम आपका कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम है प्रोसेस का, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम साल्ट, और उनके क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें जो आपका एल्केन बनता है वो इवन नंबर ऑफ एल्केन बनते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन। क्या बनता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन। सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम साल्ट कितने मोल लेंगे, 2 मोल। 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ वाटर देन फॉर्म CH3CH3 एल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस NaOH। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डिसोसिएट हो जाएगा, क्या बना देगा, एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन। दिस एसीटेट आयन एनोड के ऊपर, क्या एट एनोड कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और क्या बना देगा आपका, फ्री रेडिकल। क्या बना देगा, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, एसीटेट फ्री रेडिकल। क्या बोलते थे इसको, एसीटेट फ्री रेडिकल। अब इस एसीटेट फ्री रेडिकल को ब्रेक होने के बाद कौन सी गैस इवेल्यूएट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, और यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल बन जाता है आपका, मिथाइल फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल बन जाता है, मिथाइल। दिस मिथाइल फ्री रेडिकल रिएक्ट विद अनदर मिथाइल फ्री रेडिकल टू फॉर्म एल्केन, किसे बोलते हैं, इथेन। क्या बोल देते हैं, इथेन। तो एनोड पे आपका क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्केन। कहाँ पे बनता है आपका, एनोड के ऊपर। कहाँ पे बनता है आपका, एनोड के ऊपर, एट कैथोड। आपके कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या होगा आपका, जो वाटर है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा आपका, OH नेगेटिव प्लस H फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा, H फ्री रेडिकल। दिस H फ्री रेडिकल रिएक्ट विद अनदर H फ्री रेडिकल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस इवेल्यूएट हो जाती है कैथोड से, हाइड्रोजन गैस। और आपका जो ये OH है, ये OH आपका जो फर्स्ट स्टेप में सोडियम बना था आपका Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव रिएक्ट विद OH क्या बन जाएगा, NaOH। क्या बन जाएगा, NaOH, NaOH। इसकी लिमिटेशन क्या है, कार्बन, इसकी जो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है, किसी यहाँ पे आप क्या नहीं प्रिपेयर कर सकते, मिथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपका मिथेन का जो हाइड्रोकार्बन है उसको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। सिंपल रिविजन करते हैं, कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस। अनदर एग्जाम्पल आपका कि एनोड पे आपका क्या क्या बनेगा, एनोड पे आपका क्या क्या बनेगा, एनोड पे आपको बनेगा एक तो एल्केन जिसे हम बोलते हैं इथेन, या फ्री रेडिकल बोल सकते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, या दूसरा एसिटाइल रेडिकल बनेगा आपका। सबसे पहले क्या बनेगा आपका, एल्केन जिसे बोलते हैं इथेन, या दूसरा क्या बोलते हैं आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवेल्यूएट होगी एनोड से ऊपर से, या दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा रेडिकल बनेगा आपका, मिथाइल रेडिकल, या दूसरा हम बोल सकते हैं एसीटेट फ्री रेडिकल। कौन सा बनेगा, एसीटेट फ्री रेडिकल, एसीटेट फ्री रेडिकल। दिस इज द कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, ए सिंपल कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। थैंक यू वेरी मच।